नाज़री आदाब। पिछली वीडियो का सिलसिला जारी रखते हुए माय चैनल बेंगलुरु पहली हज फ्लाइट का दूसरा हिस्सा आपके लिए पेश करता है। इसमें आप देखेंगे कि हाजी हजरत हज कमिटी ऑफ कर्नाटका के इंतजामात के मुतालिक अपने तासुरात पेश कर रहे हैं। माय चैनल बेंगलुरु के अमले की दुआ है कि अल्लाह पाक इन खुशनसीब हुज्जाज करम के हज को आसान करे और कबूल करे, आमीन। उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हम बेंगलोर से ही हैं, बेंगलोर जो गुड़दली से है। अल्हम्दुलिल्लाह हम चार लोग हैं हमारा कवर नंबर से, और ग्रुप आके 12 लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जा रहे हज कमेटी का, जो भी कर्नाटक हज कमेटी का ना, बहुत बड़ा काम रहा है, बहुत बड़ा मदद भी रहा है, क्योंकि मैं एक्चुअली एक NRI हूँ और हमारा सा पासपोर्ट में जो डेट पर बोलना था वो डेट पर आ नहीं पाया, लेट भी आया, बट एक्सेप्ट किए, उसको लिए और प्रोसेस किए। जरो साला जो भी सहूलत है सब कुछ प्राइवेट से भी अच्छा जो हज कमेटी से किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्र है बेंगलुरु हज कमेटी के। कंपेरेटिवली अदर स्टेट में जानता हूँ, मेरे दोस्त लोग भी दूसरे स्टेट से आ रहे हैं जैसा कि हैदराबाद चेन्नई, बट उनसे कंपेरेटिवली बेंगलुरु बहुत अच्छा माशाल्लाह काम कर रहे हैं। जो भी रात को हम लगेज भी लेके बहुत लेट आए उसके लिए भी कोऑपरेटिव है। दूसरा जो स्टेट हज कमेटी है मैं जानता हूँ कि नहीं करते हैं, बहुत कोऑपरेटिव है, और जो भी सिस्टम्स है, जो वॉलंटियर्स है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा तादाद में वॉलंटियर्स है बेंगलुरु में, क्योंकि मैं मुंबई भी देखा हूँ, दिल्ली भी देखा हूँ, बेंगलुरु के वॉलंटियर्स बहुत ज़्यादा तादाद में है और सबको मदद कर रहे हैं और खुल के आगे बढ़कर मदद कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुआ इस बात की। इस बार इंशाल्लाह सबके लिए दुआएं मांगी। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग हैं देखेंगे इंशाल्लाह, हमारे लिए भी दुआ करें, हमारा हज जो भी है मकबूल हो, अल्लाह कबूल करे। अल्लाह के लिए करना है जो सबके लिए दुआ करना, इंशाल्लाह दुआ करें। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सर्विस दे रहे हैं, अच्छा सर्विस है इनका। अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी इनका सर्विस ऐसा ही रहने के लिए कोशिश कीजिए, बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कब से अरमान थी कि हज पर जाएं? हम तो 1-3 साल से बहुत अरमान थी कि हज में जाना है करके, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरा हो गया हमारा। इंशाल्लाह आप दुआ कीजिए हमारा सफ़र आसान हो करके, इंशाल्लाह सबके लिए दुआ करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर। जज़ाकअल्लाहुल खैर उनका सीरा। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बेंगलुरु से हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम 5 साल पहले उम्रा किए थे, जब ही नियत किए थे इंशाल्लाह हम हज पर जाएंगे, अल्लाह कबूल फरमाया, अल्लाह का बुलावा आया है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हज कमेटी पर सबकी खिदमत माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। कोई तकलीफ आपको परेशानी नहीं? जी कोई बात की परेशानी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सबकी खिदमत को अल्लाह कबूल फरमाया। आदमियाँ दुनिया में ही मगफिरत सबके लिए दुआ मांगूंगी, तमाम रिश्तेदारों के लिए, खासकर सब सेहत के लिए बहुत दुआ मांगने की दुआ बोले ही, सब सेहत के लिए मांगूंगी तंदुरुस्ती। और कैसे यहाँ पे इंतजाम वगैरह रहे? अल्लाह के फजल से बेहतरीन है इंतजाम। मैं कल मैसूर से आया, आज सवेरे हमारे 9:30 बजे फ्लाइट है, अभी यहाँ पर 5:30 बजे आया। अल्लाह का फजल है, बेहतर है इंतज़ाम। और कुछ मशवरा देना चाह रहे हैं यहाँ पे बेहतरी लाने में, मजीद जो है सहूलियात के लिए? यहाँ बेहतरीन ले लगाने में थोड़ा फ़ैन की, जो गर्मा का सीज़न है इसलिए फ़ैन की थोड़ा ज़रूरत है, और जो ऊपर जो हाल में जो बैठते हैं वहाँ जो टॉयलेट बाथरूम्स जो हैं सिर्फ 1 या 2 हैं, और 2 बनाए तो बेहतर रहता है। बहुत कम उम्र में हज नसीब करा है, और यहाँ के हज कमेटी के इंतजाम बहुत अच्छे तरह से, ये इनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी तरह से ये हाजियों को ट्रीट करते हैं। तो मैं सबसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप सब भी उम्मीद रखिए, इंशाल्लाह आप सबको हज नसीब करेगा अल्लाह। तो कितनी अरमान थी कि इतनी जल्दी जो है आपको मौका मिला हज पर जाने का? क्या उम्र है आपकी और क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, 2nd ईयर BCOM में पढ़ रहा हूँ। मेरी उम्र 19 साल है। तो कैसे है आपके दोस्त वगैरह ने क्या कहा जब आपने कहा कि आप हज पर जा रहे हैं? सभी लोग मेरे लेक्चरर्स हो, स्टूडेंट मेरे क्लासमेट्स हो, सभी यही कहते हैं कि तुम्हें बहुत कम उम्र में हज नसीब हुआ है, अल्लाह का शुक्र करो, और हमारे लिए भी इसी की तरह के लिए दुआ करो, ऐसा कहते हैं। जजा
अल्लाह पाक ने हमें हज कबूल किया है, अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्रिया। कौन कौन जा रहे हैं हज पर? बेटा अपने शौहर के साथ जा रहे हैं। तो तैयारी वगैरह सब मुकम्मल हुई है? जी जी। और ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया आपने? हाँ, ये तो पूरी तरबियत भी हासिल हुई है। जी। तो कोई कहीं परेशानी है? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं, सब आपका ये पूरा सफर बहुत अच्छा है। हम बेंगलोर से, हम लोग हम दो साथ में हैं, बहुत अच्छा है। का शुक्र करना ही है, बहुत बड़ा नेमत अल्लाह ने दी है, अल्लाह का शुक्र करेंगे। तो पहली मरतबा जा रहे हैं, अल्लाह नियत के पहले नियत के साथ अल्लाह भेजा, हमारा कोशिश नहीं, अल्लाह का कोशिश सही है, अल्लाह का तरफ से हमें जा रहे हैं। अल्लाह का कितने शुक्र अदा करें तक हम अल्लाह का घर देखने के लिए हमें जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबके लिए दुआ करेंगे। प्रैक्टिस रन करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का मेहरबानी है कि जल्दी हो गया है हमारा सब, अप्लाई किए, अप्लाई करने में मिल गया इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और पहली फ्लाइट से भी हो गया। तो आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कैसे प्रोग्राम बना के हज पर जाएं? किस किस के साथ आप हज पर जा रहे हैं? मैं मेरी वाइफ के साथ जा रहा हूँ, पिछले साल मेरे छोटे भाई किए थे हज यहीं से, तो इस बार भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग समझे कि जल्दी उम्र है, जल्दी जाके करके आ जाते हैं बोल के। कैसे इंतजाम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे इंतजाम हुए, जल्दी जल्दी लाइन भी जल्दी मूव हो रही है, और थोड़ी बहुत तकलीफ़ात तो होते हैं बट अल्हम्दुलिल्लाह इंतजाम काफ़ी अच्छे हैं। तो जाहिर सी बात है हर एक के लिए आप दुआएं मांगिए, खासतौर पर वतन के लिए। ज़रूर इंशाल्लाह, आई मीन ये मुल्क हमारा है, डेफिनेटली हम मांगेंगे, और सारी उम्मत के लिए भी ज़रूर मांगना है, उम्मत की ज़रूरत भी है दुआ मांगने की। अल्हम्दुलिल्लाह दुआ करें हमारे लिए भी, हमारा सफ़र आसान रहे, और इंशाल्लाह हम भी दुआओं में याद रखेंगे सब। खासतौर पर हमारे नौजवान देखते हैं तालीम में काफ़ी पीछे हैं, आप एक मकाम पर पहुँच चुके हैं, इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहें? काफ़ी काम हो रहा है इस सिलसिले में, मैं भी काफ़ी जगह से जुड़ा हुआ हूँ, तो हमारे मुसलमान बच्चे काफ़ी पढ़ लिख के आगे भी बढ़ रहे हैं, इंशाल्लाह बस थोड़ी सी और मेहनत करनी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट जनरेशन काफ़ी पढ़ा लिखा निकलेगा हमारा। तो कैसे आपको ख्याल आया कि आप सीए बने, आपके वालिद ने कहा कैसे? ये बस माहौल देखते हुए, थोड़ा सा मेरे पास पढ़ाई का ज़्यादा माहौल था, मेरे दादा चाचा सब लोग लॉयर्स थे, तो मेरे को थोड़ा सीए कुछ और बनना था प्रोफेशन में, तो इसलिए। और हमारे फैमिली में डॉक्टर्स भी काफ़ी सारे हैं, तो थोड़ा प्रोफेशन चेंज करके कुछ पढ़ना था, तो सीए। मैं MCA करी हुई हूँ, ये पहला मौका है हमारा हज को जाने का, बहुत बहुत खुशी है, बहुत एक्साइटमेंट है, बस दुआ करिए हमारा सफ़र आसान हो। Thank you.
और उसके साथ साथ रहीम खान साहब भी आए हुए थे और उनके साथ साथ पॉलिटिकल सेक्रेटरी नसीर साहब भी आए हुए थे और उसके साथ साथ बहुत सारे उलमा इकराम भी इधर थे और हमारे ज़ैनुल अब्दीन साहब के इन्हों भी थे और सुबह में दुआ के लिए हमारे मौलाना मकसूद इमरान साहब भी आए हुए थे। माशाल्लाह मंजर बहुत अच्छा रहा और उसके साथ साथ बहुत पूरे वॉलंटियर्स अपने कामों में लग कर जिस तरीके से इस काम को अंजाम दिया है ये लाजवाब है। मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर बेंगलोर वाहिद शहर है जिस तरीके से हाजियों का इस्तकबाल करते हैं और उसी तरीके से रवानगी भी करते हैं, तो इससे बहुत खुशी हुई है और उम्मीद करते हैं कि बाकी के जितने भी हाजियाँ हैं इधर उन लोगों को भी उनको भी आसानी के साथ हम रवाना करने की पूरी तैयारी करेंगे। हज कमेटी के मेंबर बने हुए हैं तो ये मजीद कितनी खुशी की बात है कि हाजियों की खिदमत का मौका आपको मिला है। खुशी का इजहार और तसव्वुर कर नहीं सकते, माशाल्लाह उतनी खुशी अंदर से दिल से। और मैं मेंबर बनाने के लिए ज़मीर अहमद खान साहब का और नसीर अहमद साहब का और रहीम खान साहब का और कांग्रेस पार्टी का सबका भी इस मौके पर उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ताकि मुझे इस ओहदे से नवाज कर मैं इन हाजियों की खिदमत करने के लिए मुझे एक मौका मिला है। बहुत शुक्रिया। बताइए मौलाना आपकी देरीना खिदमत है, आप तवील खिदमत हैं, आप भी जो है मेंबर एक रुकन की हैसियत से भी इस मरतबा खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं है, अल्लाह समद अल्लाह बेनियाज है, तो अल्लाह ताला जिससे चाहता है काम लेता है। अल्लाह ने मच्छर से भी काम लिया, अबाबिल से भी काम लिया, हुदहुद से भी काम लिया, बस जब हमसे भी काम ले रहा तो हम जितने खुद्दाम हैं ये अपनी सआदत समझते हैं। जैसा कि हज़रत सादी ने फरमाया, मिन्नत मनह की खिदमत सुल्तान हमी कुनी, मिन्नत शनास अज़्व की खिदमत बिदाश्तत। ए वज़ीर, तो बादशाह पर एहसान मत जतला कि तू बादशाह की खिदमत कर रहा है, बल्कि बादशाह का एहसान मान कि उसने तुझे खिदमत के लिए कबूल किया है। तो हम अल्लाह ताला का एहसान मानते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें खिदमत का मौका अता फ़रमाया। अल्लाह ताला मौत की आखिरी सांस तक इखलास के साथ इसी तरह खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। शुक्रिया। कर्नाटक से जो हमारे शहर बेंगलुरु हज घर से हज कमेटी से सब जो साथियाँ आज हाजियों को निकाल रहे हैं उसी की बात है। पूरे साथियाँ हमारे जितने भी हमारे आखिरी सांस तक हम लोग पूरे वॉलंटियर्स काम करते रहेंगे। ये मैं ये चाहता हूँ कि आज जो हाजियाँ निकले हुए हैं हमारे पूरे हमारे कर्नाटक के लिए और पूरी उम्मत के लिए दुआ करिए। वो सरजमीन पर जा रहे हैं, आखा के सरजमीन में उनके कदम आज वहाँ उतर रहे हैं, पड़ रहे हैं, वहाँ उतरते फौरन पूरी उम्मत के लिए और हमारे हिंदुस्तान के लिए दुआ करने के लिए उनको हमें रिक्वेस्ट भी करे हैं। आज यह है कि आज हमारे पूरे साथियाँ हमें मिलकर हर साल की तरह इस साल भी हमें हाजियों की खिदमत के लिए लगे हुए हैं। आप लोगों से ये इत्तिला करते हैं कि इसी तरह पूरे हाजियों को दिल की गहराइयों से हम लोग काम करेंगे। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक।